खूबसूरत लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम सलार जंग म्यूजियम जा रहे हैं क्योंकि हारून के फ्रेंड्स भी वहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, उनसे भी मिलेंगे और म्यूजियम की शेयर भी करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को भी शेयर कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए सलार जंग म्यूजियम का नज़ारा। तो गाइज हमारे साथ बने रहिए, ले चलते हैं हम आपको सलार जंग म्यूजियम। दोस्तों, अभी हम लोग सालार जंग म्यूज़ियम के मेन एंट्रेंस पे आ गए हैं। अब वो लोग, अभी हमारे दोस्त लोग नहीं आए तो सोच रहे कि थोड़ा जो जूस पी लेते हैं, गन्ने का जूस। फिर गाइस, अभी हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जो है अभी नहीं एंट्री किए हैं, एक्चुअली हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा। तो ये देखिए बाहर से इसका जो है नज़ारा इस तरह है। अभी हम लोग जो है यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे, सीधे मतलब जाके वहाँ से टिकट लेंगे, वहाँ टिकट काउंटर है। गाइज टिकट का प्राइस देख सकते हैं, अडल्ट के लिए जो है 50 और बच्चों के लिए 20 रुपये, और जो है आप अगर कैमरा या मोबाइल ले जाना चाहते हैं अंदर तो उसका अलग से 50 रुपये लगता है, तो उसके लिए टिकट लेना पड़ता है। तो आप अगर मोबाइल अंदर ले जाना चाहें तो आप उसके लिए अलग से 50 का टिकट ले लें। अगर आपके पास बैग है तो आप बैग अंदर लेकर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर क्लोक रूम है, तो आप यहाँ पर आकर अपना बैग रख सकते हैं। लेडीज़ के जो छोटे मिनी पर्स होता है ना, वो लेके जा सकती है, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर बड़ा बैग ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए जो है आप बैग ला कर इसमें क्लोक रूम में रख दें। 10 रुपया प्राइस है उसका। देखिए मैं भी यहाँ रखने आया हूँ, मुझे मिल गया मेरा टोकन, अब मैंने लॉक कर दिया और चाबी मेरे पास रहेगी। आवर टिकट्स एंड द टिकट्स फॉर मोबाइल्स एंड कैमराज। अब हम लोग म्यूजियम की तरफ रुख कर रहे हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर लोग आकर बैठते हैं, साया है यहाँ पर, पेड़ वगैरह, इसलिए लोग यहाँ पर बैठ कर आराम करते हैं। तो गाइस चलिए हमारे साथ म्यूजियम, हम आपको लेकर चलते हैं इनसाइड में। सालार जंग म्यूजियम की गैलरियों से गुजरते हुए सियाहों को लगता है कि वो हिंदुस्तान के शानदार माजी के किसी अहद में है, इसलिए कि हिंदुस्तान के इस तीसरे सबसे बड़े म्यूजियम में जिन नवादिरात को जमा किया गया है वो तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के इंतहाई मुनफरिद और नायाब नवादिरात हैं। यह म्यूजियम इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर मौजूद नवादिरात एक ख़ानदान की ज़ाती मिल्कियत रहे हैं और इनको जमा करते 3 नस्लें गुजरी हैं, और ये लोग रियासत हैदराबाद के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थे। सालार जंग और उनका ख़ानदान पूरी दुनिया से नवादिरात इकट्ठा करने के लिए मशहूर था। यह सिलसिला सालार जंग अव्वल नवाब मीर तुराब अली ख़ान से शुरू हुआ। उनके अहम नवादिरात में से वेल्ड रेबिका नामी संग मरमर से तराशा मुजस्मा भी शामिल है। वैसे सालार जंग दोम मीर लई काली ख़ान का महज 26 साल की उम्र में इंतकाल हो गया, इसीलिए ज़्यादातर नवादिरात जिनकी तादाद तकरीबन 50,000 है वो सालार जंग सोम मीर यूसुफ अली ख़ान ने जमा किया। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सालार जंग सोम मीर यूसुफ अली ख़ान की तस्वीर है। आर्ट के मामले में ये बहुत बाज़ोक थे और इन्होंने 1914 में निज़ाम की रियासत से वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर अपनी बकिया ज़िंदगी दुनिया भर से नवादिरात जमा करने में ही सर्फ कर दी, जिसके नतीजे में हम आज सालार जंग म्यूज़ियम को देख रहे हैं। गाइस अभी हम लोग पेंटिंग गैलरी में जाएंगे, तो बने रहिए। आप अगर पढ़ना चाहें उर्दू तो यहाँ पढ़ लें, आपको जानकारी अगर चाहिए तो हिंदुस्तानी पेंटिंग जो है उसको हम देखने के लिए जा रहे हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए। सिर्फ ये पेंटिंग देखकर आप जो है मतलब स्किप मत कर दीजिएगा वीडियो, आगे जो है देखते रहिए। एकदम बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है ना मनाजिर हैं और बहुत खूबसूरत आर्ट्स है, बने रहिए। तो ये देखिए गाइस, ये बाबर का पिक है जो मोगल का फाउंडर थे, ये गोल्डन चेयर पर बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत पिक। ये शाहजहाँ का है, बहुत ही अच्छा पेंटिंग है उनका। इंडियन मॉडर्न पेंटिंग गैलरी।
मेटल वेयर गैलरी। इसमें देखिए पॉट्स वगैरह है, अलग अलग अदवार के हैं, अलग अलग ज़माने के, देख सकते हैं क्या क्या खूबसूरत है। देखिए पहले के लोग कैसे कैसे पॉट्स यूज़ करते थे। ये देखिए कब का है, 19th सेंचुरी का। ये क्या चीज़ है, टेंपल पॉट्स। कितना अच्छा। अरबी क्या हो भाई, वॉकिंग स्टिक्स गैलरी। आर्म्स एंड आर्मर गैलरी। सो ये देखिए गाइस, यहाँ बहुत तरह के हथियार मौजूद है। यहाँ पर आपको तीर, धनुष और पुराने ज़माने के जो बादशाह यूज़ करते थे, ये देखिए जब वो लोग जंग करने के लिए जाते थे तो मेल इस तरह के पहन कर जाते थे, इस तरह जंग पर। ये मर्द का लिबास है जी। और ये जो है ये फीमेल का है, फीमेल जब जाती थी तो वो अपने हाथ पर और बाजू में अपने ये बांध के अच्छे से जाया करती थी, ये मेल और फीमेल का। और यहाँ देखिए ये तलवार है, ये तरह तरह के यहाँ आपको हथियार मिलेगी जो पुराने ज़माने के। माशाल्लाह बहुत कुछ यहाँ देखने को मिला, पुराने ज़माने के हथियार। वाह यार क्या आर्ट है, इसमें क्या कैसे लिखा हुआ भाई, उनके जमाने का, नौगा के जमाने का। बहुत कुछ शाहजहां के साबर का, ये शाहजहां का और बहुत कुछ शाहजहां के औरंगजेब की तलवार है। ये लेके जाएगा ऐसा बनाना। हाँ ऐसा बना के रखना, इसका मुंह डालते हुए खाड़ देखो। देखिए गाइस ये है जंग का लिबास। देखिए ये देखिए और एक ये देखिए, तरह तरह के जो है रिवॉल्वर्स, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग साइज, देखिए ना डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉल्वर्स, वेरी इंटरेस्टिंग यार। पर्दा नशीन रेबेका। ये हमारे हैदराबादी दोस्त हैं, कुर्ते में अब्दुल मतीन भाई और उसके बाद अब्दुल रज़ाक भाई और उसके बाद दाऊद भाई, ये लोग आ चुके हैं, अब हम लोग एक साथ घूमेंगे। इजिप्शियन एंड सीरियन गैलरी। अब हम लोग जा रहे हैं वेस्टर्न फर्नीचर गैलरी।
यूरोपियन पेंटिंग गैलरी। ये एक ही स्टैचू है, आगे से ये मर्द नज़र आ रहा है और पीछे से जो एक औरत नज़र आ रही है। एक्चुअली शीशे में ऐसा दिख रहा है, पीछे से ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इस तरह औरत दिख रही है। वाह क्या आर्ट है। यूरोपियन ग्लास गैलरी। सो मच शाइनिंग है, लाइट लगा उसके अंदर। फ्रेंच गैलरी। सोबान भाई फोटो शूट करवा रहे हैं और अब्दुर्रहमान भाई कैमरामैन बन गए। ये देखिए प्लेट में क्या आर्ट है भाई। मुर्गा नहीं है, इन पोर्ट लिखा हुआ। मजाक में ये फोन है भाई साहब। थॉमस पंखा है ना। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं घड़ियों में एक से एक डिजाइन, मतलब एक से एक डिजाइन वाली घड़ी। देखते जाइए गाइस और मजे लुत्फ उठाइए। यूरोपियन पोर्सलेन गैलरी।
तो दोस्तों देखिए कलाकारी, आप जो है कला को जो है देखते हुए नहीं थकेंगे, मतलब एक से एक अमेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स देखने को मिल रहा है। इंसान यहाँ आते ही थकता नहीं है, मतलब घूमते ही रहता बस। तो गाइज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और बने रहिए, आगे बहुत कुछ देखने को अभी बाकी है। वीडियो लंबी है लेकिन आप जो है नई चीज़ों को देख रहे हैं, इसलिए जो है बने रहिए और वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस ये सब जो है हमारे क्लासमेट हैं। अब हम आ गए हैं फ्लोरा एंड फौना गैलरी, यानी नबातात और हैवानात की गैलरी में आ गए, अब मज़ा आएगा। ये देखिए ये कितना खूबसूरत ट्वाइस बना, यहाँ तरह तरह का ये एलिफेंट बहुत ही खूबसूरत है यहाँ बना हुआ। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि ये देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जंगल में आ गए। सच में रियलिटी लग रहा है, जाहिर है कि आर्टिफिशियल है, ये सब आर्टिफिशियल है हाँ। लेकिन रियलिटी देखिए इसके अंदर है, खरगोश बैठा हुआ है भाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, दरख्त वगैरह देखिए, फल लगा हुआ है, वाह। और चिड़िया भी तो बैठी है, चिड़िया के घोंसला भी दिख रहा, बंदर बैठा है इधर। सही बोले, ये देखिए चिड़िया बैठी हुई ऊपर पेड़ के ऊपर, पूरा ग्रीनी। सांप हाँ सांप भी है यार, हर चीज को इसने एकदम यहाँ पर लाकर समो दिया है। यहाँ देखिए वाह, ये तो एकदम अमेजिंग, बहुत ही अच्छा हट बनाया है जंगल का। ऐसा फील हो रहा है कि जंगल के अंदर ये हट है, और जैसे फील हो रहा है कि जंगल के अंदर हम लोग आ गए हैं। रियली बहुत ही खूबसूरत। वाह यार, ये देखिए चिड़िया देखिए पानी पी रही है, लग रहा है क्या माशाल्लाह, अमेजिंग, मज़ा आ गया सच में, मज़ा आ गया। ये देखिए, ये देखिए इधर पानी है। हाँ वो सिर्फ पानी की तरह। अच्छा जानवर क्या मतलब, परिंदे भी हैं वहाँ पे। ये वाइट बुल, रेड बुल है, रेड बुल का बोले। ये क्या सजा होता था क्या ऐसा भाई? भाई नहीं थी वो, ये तो होंगे सीधे सीधे हाथ से मारते थे, चार लेफ्ट हैंड से नहीं मारते। ये क्या चीज़ है? फॉर ईस्टर्न पोर्सलेन गैलरी।
चिल्ड्रन गैलरी, ये जो है बहुत अच्छी गैलरी है। गाइस, इस म्यूज़ियम में आने के बाद हमने बहुत सारी तारीख़ी चीज़ें देखी और मतलब बहुत इन्जॉय किया, और जो है जो पुरानी चीज़ें हैं उनको देखकर बहुत लुत्फ़ानंदोज़ हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं हैं, वो सब चीज़ें भी हमको देखने को मिला। इसलिए जो है गाइस, अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं और इस म्यूज़ियम की ज़ियारत कर सकते हैं और इन खूबसूरत चीज़ों से जो है लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं और तारीख़ी सफ़हात से गुज़र सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर्स की चीज़ों को किस तरह से इन्होंने जो है लाकर यहाँ पर जमा किया है। तो गाइस, आइए कभी और ज़ियारत कीजिए। ये जो है बुक्स गैलरी है, इसमें जो है फर्शियन की किताबें और बहुत सारी अरबी की किताबें जो है आपको पुरानी किताबें दिखेंगी, पोइट्री बुक्स और मुख्तलिफ उलूम की किताबें हैं। कपड़े में देख, ये देख इतना छोटा बारीक, देखने के लिए इसको इसकी जरूरत पड़ेगी बड़ा करने के लिए। हाँ सही बोले, ये है कलाकारी बारीकी। ये कुरान का बहुत ही छोटा नुस्खा है, इसमें छोटे छोटे हरूफ में लिखे हुए हैं, इसमें जो एक शीशा लगा हुआ है जो माइक्रोस्कोप की तरह है, आप उससे देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर एक म्यूजिकल क्लॉक रखा हुआ है, यहाँ हर घंटे में एक आदमी निकल के आता है, वो हर घंटे में जितने घंटे हैं वो मार के फिर अंदर चला जाता है। ये मेरे लेफ्ट साइड में देखिए, तो गाइज़ हमने म्यूज़ियम की ज़ियारत कर ली है और हर चीज़ को बहुत बगौर देखा है और बहुत लुत्फ़ानंदोज़ हुए हम लोग। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और शादाब होटल जाएंगे जो चार मीनार के पास है, वहाँ पर जाकर हम लोग बिरयानी खाएंगे और फिर उसके बाद जो है घर के लिए रवाना होंगे। अभी मैं क्लॉक रूम में आ गया हूँ, मैं अपना बैग ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा और सीधे शादाब होटल का रुख करूँगा। गाइस, अभी हम लोग शादाब होटल पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने बिरयानी ऑर्डर कर लिया और हम लोग मिलकर बिरयानी खा रहे हैं, और पार्टी जो है हैदराबादी दोस्तों की तरफ से थी तो हमने बहुत इन्जॉय किया। आज का दिन बहुत अच्छा रहा गाइस। अब हम लोग बिरयानी खाने के बाद यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। तो गाइज़, अभी हम लोग टोली चौकी पहुंच गए हैं, टोली चौकी के फ्लेवर से गुजर रहे हैं। अब हम लोग 2-3 मिनट में रूम पहुंच जाएंगे। तो गाइज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और हमें ये बताना ना भूलें कि आज की जो वीडियो थी ये कैसी रही, आज का व्लॉग ये कैसा रहा। प्लीज़ कमेंट एंड टेल अस हाउ वॉज़ द वीडियो। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय गाइज़।